हाय फ्रेंड्स, मैं आपका दोस्त अनिमेश स्वागत करता हूं आपका चैनल साइंस माइंस पे। आज हम बात करने वाले हैं बॉडी के मेटाबॉलिक रेट के बारे में और उससे जरूरी कुछ बहुत ही जरूरी बातों के बारे में जो सभी को पता होना बहुत जरूरी है। मेटाबॉलिक रेट को अगर सरल भाषा में समझें तो यह वह एनर्जी है जो हमारे शरीर को चाहिए हमारे शरीर की सभी क्रियाओं को चलाने के लिए। वो क्रियाएं हो सकती हैं जैसे कि हमारी बॉडी का हेल्दी बॉडी वेट मेंटेन करना, हमारी बोन्स को स्ट्रांग बनाए रखना, या हमारे ऑर्गन्स को सुचारू रूप से चलाए रखना, या अगर एक लाइन में समझना चाहें तो ये वो एनर्जी है जो हमारे शरीर को जिंदा रखने के लिए चाहिए। हम जब पैदा होते हैं तब से लेके लगभग 20 साल की उम्र तक हमारा शरीर ग्रो करता है। हम जो भी कुछ खाते हैं हमारा शरीर उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर लेता है और उसे यूज़ करता है हमारे शरीर को ग्रो करने में। ये करते वक्त हमारे शरीर का मेटाबॉलिक लेवल बहुत ज़्यादा हाई रहता है, इसलिए हम कुछ भी खाते हैं उसके बाद भी हमारे शरीर का वेट बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ता। और इससे पता चलता है मेरे जैसे दुबले पतले दोस्त जो खाते तो बहुत हैं पर उनका वजन नहीं बढ़ता और वो सोचते हैं कि उनके शरीर में कोई प्रॉब्लम है, ये सोचना बिल्कुल गलत है। बल्कि वो ज़्यादा फिट हैं क्योंकि उनका मेटाबॉलिक रेट ज़्यादा है। वो जो भी कुछ खाते हैं उनका शरीर उसको एनर्जी में कन्वर्ट कर देता है और इसी कारण वो ज़्यादा खुश भी रहते हैं और ज़्यादा एक्टिव भी। चलिए अब इसका एक अलग पहलू समझते हैं। जब हम हमारी लाइफ की सेकेंड इनिंग में आते हैं, मतलब 30 की एज क्रॉस करते हैं, तब हमारे शरीर का मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे कम होने लगता है और इसी कारण आपने देखा होगा हमारा वेट गेन होने लगता है। एक्चुअली 20 की उम्र के बाद हमारे शरीर की ग्रोथ रुक जाती है और हमारी बोन्स भी ग्रो होना बंद कर देती हैं। इसी को कॉम्पनसेट करने के लिए हमारा शरीर बॉडी का मास बढ़ाने लगता है और वो बॉडी का मास अगर हम कन्वर्ट नहीं करते हैं मसल्स में तो वो कन्वर्ट हो जाता है फैट में और हमारे बॉडी का वेट बढ़ने लगता है। तो 30 की उम्र के बाद अगर आपका बॉडी का वजन बढ़ने लगे तो खुश मत होइए, ये शो करता है कि आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म धीरे धीरे स्लो होने लगा है, मतलब आपका शरीर अब पहले से स्लो हो गया है और अब ये इन्वाइट करेगा बहुत सी बीमारियों को। तो आपको करना ये है, 30 की उम्र के बाद आपको अपने डॉक्टर को विजिट करना है और अपना बॉडी का फुल बॉडी चेकअप कराना है। इसमें आपको पता चलेगा कि क्या आपके शरीर में कोई डेफिशिएंसी क्रिएट तो नहीं हो रही है या फिर आप कोई चीज़ ज़्यादा ऐड तो नहीं कर रहे हैं जैसे कि कोलेस्ट्रॉल या ब्लड शुगर। ये चेकअप आपको मदद करेगा बीमारियों के लक्षण को अर्ली डायग्नोस करने में ताकि आप बीमारियों को होने से पहले ही उन्हें रोक पाएं। तो चलिए अंतिम चरण में समझते हैं कि हम हमारे गिरते मेटाबॉलिज्म को कैसे बढ़ा सकते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है आपको अपनी डाइट से कार्बोहाइड्रेट का इंटेक कम करना है और प्रोटीन और वेजिटेबल्स का इंटेक बढ़ाना है। प्रोटीन डाइजेस्ट होने में ज्यादा कैलोरीज की रिक्वायरमेंट होती है, इसीलिए जब आप प्रोटीन खाते हैं तो आपके शरीर का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। अगले नंबर पे आता है आपको रेगुलर इंटरवल्स पे पानी पीना है। आप जब पानी पीते हैं तो ये थोड़ी देर के लिए आपके शरीर के मेटाबॉलिज्म को बढ़ा देता है और रेगुलर इंटरवल्स पे आप पानी पीते रहेंगे तो ये आपको पतले होने में भी मदद करेगा। आपको अपने लाइफस्टाइल में एक्सरसाइज को ऐड करना है। ये एक्सरसाइज जिम हो सकती है या आप वॉक पे भी जा सकते हैं। आपको पूरे हफ्ते में कम से कम 3 से 4 दिन 20 से 30 मिनट के लिए एक्सरसाइज करना है। आप जब एक्सरसाइज करते हैं तो आपका बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है और आपकी बॉडी कैलोरीज कंज्यूम करना स्टार्ट कर देती है। एक्सरसाइज करने के बाद भी आपको फायदा मिलता है क्योंकि आपकी हार्ट रेट और बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाता है और आपकी बॉडी कोशिश करती है कि वो बॉडी टेम्परेचर को नॉर्मल करे और उसमें भी उसको एनर्जी कंज्यूम करनी पड़ती है। एक्सरसाइज आपकी बॉडी का एक्स्ट्रा फैट भी बर्न करती रहेगी, आपकी बॉडी में नए मसल्स की ग्रोथ में हेल्प करेगी और आपकी एग्जिस्टिंग मसल्स को भी स्ट्रांग बनाए रखेगी। अगर आपको एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहें तो मिस्टर अनिल कपूर एक परफेक्ट एग्जाम्पल हैं। 60 प्लस एज में भी उनके जवान दिखने का यही कारण है। उनके बॉडी में फैट का परसेंटेज बहुत ही कम है और हाई इंटेंसिटी वर्कआउट के द्वारा वो अपनी बॉडी का मेटाबॉलिज्म हमेशा हाई रखते हैं और यही कारण है कि उनकी स्किन हमेशा ग्लो करती है और वो 62 की उम्र में भी जवान दिखते हैं। अगला पॉइंट है स्टैंड अप मोर। जॉब करने वालों के लिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
दिन भर चेयर पर बैठे रहना अब स्मोकिंग की तरह बताया जा रहा है। हमारा शरीर जो एनर्जी प्रोड्यूस करता है उसकी 60% एनर्जी को यूज करता है हमारे बॉडी के रेगुलर फंक्शंस को चलाने में, बची हुई वो 40% एनर्जी को छोड़ देता है हमारी डे टू डे एक्टिविटीज के लिए। और दिन भर चेयर पर बैठे होने के कारण और कोई भी एक्टिविटी ना हो पाने के कारण हमारा शरीर वो पूरी 40% एनर्जी को स्टोर कर लेता है और वो बढ़ा देता है हमारे शरीर का फैट। इसीलिए दिन भर में जितना हो सके हमें खड़े रहना है, ताकि जब हम खड़े हों तब हमारा शरीर ज़्यादा एनर्जी को और ज़्यादा कैलोरीज को बर्न करे। ग्रीन टी पीना चालू करें। ग्रीन टी आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म तो बढ़ा ही देता है, साथ में उसमें फैट बर्निंग कैपेबिलिटी भी देखी गई है। ईट स्पाइसी फूड। स्पाइसी फूड खाने से आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म कुछ देर के लिए बढ़ जाता है, साथ में वो आपके खाने के डाइजेशन में भी मदद करता है। गेट गुड नाइट स्लीप। आपको नींद पूरी लेनी है। देखा गया है कि जब आप नींद पूरी नहीं लेते हैं तो ये डिस्टर्ब कर देता है आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को और धीरे धीरे आपका वजन बढ़ने लगता है। एक्चुअली हमारे शरीर को जब भी ऐसा लगता है कि आपके साथ कोई प्रॉब्लम है, वो रिस्पॉन्स में आपकी बॉडी का वजन बढ़ाने लगता है ताकि वो आपको सेफ रख पाए। कम नींद आपको इंसुलिन रेजिस्टेंट भी बना देगी, जिसके कारण आपके बॉडी का ब्लड शुगर लेवल धीरे धीरे बढ़ने लगेगा और आपको टाइप 2 डायबिटीज होने के चांस भी बढ़ जाएंगे। ईट ऑल डे। सिर्फ दिन में 3 बार बहुत ज़्यादा खाने से अच्छा है कि आप 2 से 3 घंटे के रेगुलर इंटरवल में थोड़ा थोड़ा हाई एनर्जी फूड खाएं। यह आपके बॉडी के मेटाबॉलिज्म को दिन भर हाई रखने में मदद करेगा। डू नॉट स्किप मील्स, मतलब फास्ट ना करें। जब आप फास्ट करते हैं आपके शरीर में एनर्जी पहुंचना कम हो जाती है, इसीलिए शरीर उससे बचने के लिए एनर्जी को स्टोर करने लगता है। और उसके बाद जब आप खाना खाते हैं तो अगली बार के लिए रेडी होने के लिए शरीर और ज़्यादा एनर्जी को स्टोर कर लेता है और आप मोटे होने लगते हैं। वेकअप अर्लियर, इसका मतलब है जितना जल्दी हो सके सुबह उठें और जल्दी से जल्दी अपना पौष्टिक ब्रेकफास्ट लें। यह आपके मेटाबॉलिज्म को सुबह जल्दी बढ़ा देगा और आपको दिन भर एक्टिव रहने में मदद करेगा। ब्रेकफास्ट का मतलब ही होता है पूरी रात हो चुके फास्ट को ब्रेक करना। पूरी रात हो चुके फास्ट के कारण बॉडी एनर्जी को कंजर्व करने की कोशिश करने लगती है और आप अर्ली मॉर्निंग जितने जल्दी ब्रेकफास्ट करते हैं आपका फास्ट ब्रेक हो जाता है और आपकी बॉडी का मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है। वी होप इतनी लंबी वीडियो ने भी आपका मेटाबॉलिज्म बढ़ा दिया होगा। इसीलिए इस बार के लिए अलविदा, आपसे मिलेंगे अगली वीडियो में।